हेलो फ्रेंड्स, तो इस ब्लूटूथ को बनाने के लिए यहाँ पे मैं पीवीसी का सीट ले लिया हूँ। आप एमडीओ बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं और इसमें जो भी कट करना है मैंने पहले से ही कट कर लिया है। स्पीकर सॉकेट और चार्जिंग पिन और इसके लिए तो इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पे 2 इंची का 3 वाट का मैंने 2 स्पीकर ले लिया हूँ और देख सकते हैं छोटा छोटा स्पीकर है। और यहाँ पर जो मैंने इस पर कट कर लिया है स्पीकर का साइज का तो कुछ इस तरह से इस पर हम इसको फिक्स करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप फेविक्विक से भी फिक्स कर सकते हैं, ग्लू गन से भी। तो मैं ग्लू से इसे फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको फिक्स कर लिया है ग्लू से, ग्लू के द्वारा मैंने इसको कर लिया है। अब इसमें हम इसका स्पीकर का वायरिंग करते हैं। तो दोनों को हमें पैरलर में कनेक्शन करना है, दोनों स्पीकर का। एक इसका स्पीकर का माइनस और इसका माइनस हमें सेम कर देना है, दोनों का माइनस और दोनों का प्लस प्लस में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक रेड वायर एक ब्लैक लिया था, यहाँ पे रेड प्लस में मैं रेड वाला लगा दे रहा हूँ और फिर इसके प्लस में यही रेड वाला, इसको मैंने दोनों को शॉर्ट कर दिया, दोनों स्पीकर को, दोनों हो गया पैरलर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का मैंने प्लस प्लस और माइनस माइनस में कनेक्ट कर दिया हूँ। चलिए आगे स्टेप पे चलते हैं। और यहाँ पे मैं 5 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट्स ले रहा हूँ क्योंकि मैं अलग से लगाऊँगा। तो कुछ इस तरह से मैं इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ। तो इसमें इंस्टॉल हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और एक मैं यहाँ पर 5 वोल्ट का ब्लूटूथ मॉड्यूल ले रहा हूँ किट। तो आप देख सकते हैं आप कोई सा भी ब्लूटूथ किट ले सकते हैं। तो इसमें मैं इसका स्विच निकाल लिया हूँ और इसका स्विच का मैं अलग से कनेक्शन करूँगा ताकि बाहर रहेगा। तो इसका भी हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका स्विच का कनेक्शन हम यहाँ पे सोल्ड इस पर कर लेते हैं इसका वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसका चार्जिंग पिन का हमें करना है। तो चार्जिंग यहाँ पे सिल्वर कलर का लाइन है और इस साइड ब्लैक है, तो हमें डायोड का ब्लैक साइड में चार्जिंग पिन का प्लस यहाँ पे लगा देंगे। और इसका जो ग्राउंड वाला ब्लैक वाला वायर है तो हम किस कहीं पर भी यहाँ पे ग्राउंड में दे देंगे, तो इसका भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे माइनस में यहाँ पे दे दिया हूँ और यहाँ पे प्लस में दे दे रहा हूँ डायोड के ब्लैक साइड पे। तो आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन हो गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक मैंने वो वायर छोटा पड़ रहा था तो इसमें कनेक्ट मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो हमारा चार्जिंग पिन का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी है जो ऑन ऑफ के लिए, ऑन होगा तो ब्लिंक करेगा और चार्जिंग चार्ज होगा तो ब्लिंक करेगा। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन हो गया और देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया है ताकि मैं किट को कुछ इस तरह से रखूँगा तो उसका एलईडी ब्लिंक होगा, तो इस होल में मुझे दिखेगा कि हमारा एलईडी ब्लिंक हो रहा है ऑन होने पर और चार्ज करने पर। तो आप देख सकते हैं चार्जिंग पिन का भी हो गया है। और यहाँ पे तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें हम बैटरी का कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम स्पीकर का आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर के ये दोनों आउटपुट है, तो इसमें हम पहले एक स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं। तो स्पीकर में यहाँ पर एक ब्लैक वायर माइनस आउटपुट का माइनस में मैं लगा दे रहा हूँ और एक रेड वायर आउटपुट का प्लस में। तो यहाँ पे हमें स्पीकर को पैरलर में किया था, तो किसी भी स्पीकर में हम देंगे तो इसमें आउटपुट दोनों स्पीकर में जाएगा। तो इसमें माइनस प्लस देख के मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया, स्पीकर कनेक्ट हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं एक बैटरी का कनेक्शन कर लिया हूँ, आप कोई सा भी बैटरी ले सकते हैं, लिथियम या कोई सा भी। तो आप देख सकते हैं बैटरी का कनेक्शन हो चुका है। और हम क्या करते हैं कुछ इस तरह से इस पर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बैटरी को भी कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और मैंने एक न्यू चैनल खोला है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और यहाँ पे कुछ इस तरह से इस साइड का यहाँ पे जो पीस है पीवीसी का सीट है, तो इसको भी हमें यहाँ से चिपका लेना है, फेविक्विक से चिपका सकते हैं। मैं फेविक्विक से इसको चिपका लेता हूँ, आप देख सकते हैं। तो कुछ कुछ पीस मैं ऐसे ही चिपका लेता हूँ और कुछ मैं एस्केप कर दूँगा। तो यहाँ पे देख लीजिए और इसमें काफ़ी अच्छा साउंड आता है फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए।
यहाँ पे हम अब यहाँ पे हो चुका, अब इसका स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग। तो यहाँ पे टेस्टिंग कंप्लीट, टेस्टिंग यहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्विच और यहाँ पे चार्जिंग पिन, यहाँ पे एलईडी और यहाँ पे स्पीकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। तो इसको हम अब टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम अब ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्विच है, मैंने यहाँ पे ऑन किया और यहाँ पे आप सुन सकते हैं, मैं अभी इसको ऑन करता हूँ। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे ऑन कर दिया और इसका साउंड आप सुन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू एलईडी ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, मैं पहले ही से किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं फिर से इसे डिसकनेक्ट करके और फिर से मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डिसकनेक्ट हो गया और इसको फिर से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे इसका नेम यहाँ पे आ चुका है, मैं कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट हो गया है फ्रेंड्स। तो ब्लू एलईडी ब्लिंक करना बंद कर दिया है और यहाँ पे मैं सॉन्ग इसमें प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं काफ़ी अच्छा इसमें साउंड दे रहा है और वीडियो में बने रहिए, इसका मैं देख करके दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा इसमें साउंड दिया गया है और इसका चार्जिंग पिन का मैं अभी टेस्ट करूँगा। तो मैं इसमें कुछ एलईडी रख के आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें काफ़ी अच्छा बेस आ रहा है। तो आप इस तरह से अपने घर पे बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा खर्चा भी आपको नहीं आएगा और जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। तो आप मैं यहाँ पे साउंड इसमें थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, आप देख सकते हैं अभी हाफ साउंड है। तो मैं यहाँ पे कम कर दिया हूँ, अभी इसमें बढ़ाऊँगा मैं। मैं चार्जिंग अभी टेस्ट करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें चार्जिंग यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ पावर और इसमें चार्ज मैं लगा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेड रेड एलईडी ब्राइट हो रहा है और जैसे ही फुल हो जाएगा तो ब्लू हो जाएगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।